हेलो दोस्तों, जयसवाल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जयसवाल क्लासेस छत्तीसगढ़ में एक बहुत जाना पहचाना नाम है और ACF के एग्ज़ाम के लिए तो ये जो क्लासेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा परिचित हैं जयसवाल सर और उनकी टीम से। हम लोग इस दौर में जो कोरोना आप जान रहे हैं COVID-19 और इस वैश्विक महामारी के दौर में जो ऑनलाइन क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट मार्केट में है जिसके माध्यम से हम PSC की तैयारी करवाते हैं, तो अब जयसवाल क्लासेस में आप PSC प्री और मेंस दोनों ही सब्जेक्ट की या दोनों ही एग्ज़ाम के लिए आप यहां पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। जयसवाल क्लासेस वैसे तो साइंस के क्षेत्र में एक बहुत जाना पहचाना नाम है जयसवाल सर और उनकी टीम का, जिनमें कि जयसवाल सर और उनकी टीम में जितने भी फैकल्टीज मेंबर हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो मान के चलिए कि 20 साल और उससे अधिक का एक्सपीरियंस है। और जो भी फैकल्टी इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट में हो या किसी और सब्जेक्ट की बात करें। तो जयसवाल क्लासेस में जो प्री और मेंस की प्रिपरेशन अब इस वैश्विक महामारी के दौर में हम ऐप के थ्रू करवाने जा रहे हैं, वो ऐप आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जयसवाल क्लासेस। आप इस ऐप को प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अपने ईमेल के थ्रू रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होगी तो वो आप इस मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर अभी रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, वो मोबाइल नंबर है 9111417 1439। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, 9111417 1439। दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो लॉकडाउन का जो दौर चल रहा है या ये जो वैश्विक महामारी का जो दौर चल रहा है, इसमें आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम की जो डेट है या एग्ज़ाम का जो होने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी अनसर्टन हो गई है। पर आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है दोस्तों कि ये लॉकडाउन अगर अनसर्टन होता है तो ये पूरे बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये एक न एक दिन इसकी वैक्सीन आने के बाद ये पूरी प्रोसेस ख़त्म हो जाएंगी और आपको अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है। जैसा कि आप प्रिपरेशन करते आ रहे हैं आपको बिल्कुल वैसे ही अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है, धीरे धीरे करके आप सारी चीज़ों को तैयार करते रहिए। ऑनलाइन के माध्यम से जो तैयारी करने की जो प्रोसेस होती है ये अब हमारे हिसाब से काफ़ी ईजिएस्ट प्रोसेस हो गई है, क्योंकि जयसवाल क्लासेस में जो जयसवाल क्लासेस का जो ऐप के माध्यम से जब आप इस चीज़ों को तैयार करेंगे तो आप घर बैठ के बहुत आसानी से इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा जयसवाल क्लासेस में हम कोई भी डाउट अगर आता है तो हम एक ग्रुप बना के उस ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, या अगर डाउट आपके ज़्यादा हैं तो उसका सेपरेटली एक वीडियो बना के हम क्या करेंगे उस ऐप में डालेंगे, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होता चले। ऐसा नहीं है कि हमने वीडियो बना दिया और हमने डाल दिया ऐप में और आपने उस वीडियो को देखा और नोट्स बना के आपने पढ़ाई की। अगर आपको डाउट आता है और अगर आपके डाउट ज़्यादा हैं तो उसका भी सेपरेटली वीडियो, ध्यान दीजिएगा, सेपरेटली वीडियो उन डाउट के ऊपर भी बनेगा और उसको भी अपलोड किया जाएगा हमारे ऐप में, जहां से आप देखकर उसको और अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। देखिए, प्रिपरेशन करने की प्रोसेस कोई एक दिन में समाप्त होने वाली प्रोसेस नहीं होती, आपको धीरे धीरे करके इस प्रोसेस को कंटिन्यूस जारी रखना पड़ेगा। क्योंकि कॉम्पिटिशन के जो दो सेक्टर हैं, अगर मैं बात करूँ प्री और मेन्स की, तो प्री वाला जो पोर्शन है PSC का वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न का मतलब होता है कि एनालिटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन में चार ऑप्शंस मिले तो चार ऑप्शन में आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है, बेटर नहीं चूज करना है। तो बेस्ट ऑप्शन आप तभी चूज कर पाएंगे दोस्तों जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो जयसवाल क्लासेस के थ्रू आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो टीम लीडर जयसवाल सर हैं, मिस्टर आलोक जयसवाल, वो 2008 में अपने सब्जेक्ट के पूरे छत्तीसगढ़ में टॉपर रहे हैं और उसके बाद अभी भी वर्तमान में वो एक गजेटेड पोस्ट में हैं। तो आप जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ या ऐसे व्यक्ति की टीम के साथ अगर आप जुड़ के तैयारी करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक एक्सपीरियंस पर्सन के साथ तैयारी करने में आपके ऊपर लोड बहुत कम आएगा और आपको ये पता होगा कि किस टाइप से पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपको गाइड करने वाले लोग ऑलरेडी उस फेज से गुजर के आ चुके हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी।
दूसरी चीज कि मैंने अभी आपको बात की कि प्री और मेंस में जो प्री वाला पार्ट है वो एनालिटिकल पार्ट होता है। एनालिटिकल पार्ट बोलने का मतलब है कि जिसमें आपको एनालिसिस करनी होती है और जिसमें आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों मेंस वाले की अगर बात करें तो मेंस में जो पोर्शन है वो आपका डिस्ट्रक्टिव पोर्शन है और आपको डिस्क्राइब करके लिखना है। पर दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मेंस वाले पोर्शन में आपके पास में जो स्पेस है वो लिमिटेड रहता है। तो फिर यहाँ पे एक बात आती है कि वही व्यक्ति अच्छे से आपको समझा और पढ़ा सकता है जो व्यक्ति उस फील्ड में एक्सपीरियंस है। आपने स्कूल और कॉलेज के एग्जाम में तो सप्लीमेंट्री लेके आपने जितना मन चाहा उतना लिख लिया होगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। मेंस के पेपर में आपके पास क्वेश्चन होगा और उसके बाद उसमें स्पेस दिया होगा, तो आपको उतने ही स्पेस में अपने आंसर को कंक्लूड करना है। अगर आपने स्टार्टिंग में खराब इन्फॉर्मेशन या अनवेल्युएबल इन्फॉर्मेशन दे दी तो फिर आपके पास स्पेस नहीं बचेगा अच्छी इंफॉर्मेशन को देने के लिए। तो जयसवाल क्लासेस में आपको यह चीज बहुत बेहतर तरीके से हमारे सर समझाते हैं कि राइटिंग स्किल क्या होनी चाहिए, कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है और किस तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि एग्जामिनर आपसे प्रभावित होकर आपको मार्क्स दे। दोस्तों यहां पर जानते हैं कि एक क्वेश्चन को अगर दो लोगों ने लिखा है तो दो लोगों को कभी बराबर मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये आपको मालूम है। मैं सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव में एक का अगर मान लीजिए बी आंसर है, दो लोगों ने बी आंसर टिक किया तो दोनों को बराबर मार्क्स मिल रहे हैं। पर मेंस एग्जाम में ऐसा नहीं है, आपको राइटिंग स्किल इंप्रूव करनी है। और आपको यह शायद पता होगा कि जो मेरिट बनती है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर ही बनती है, प्री के मार्क्स के ऊपर नहीं बनती, क्योंकि प्री तो एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। तो जयसवाल क्लासेस में जब भी आप जुड़ेंगे तो यहां के जो फैकल्टीज हैं नहीं केवल आपको पढ़ाने पे बल्कि उसके अलावा आपको राइटिंग स्किल कि आपको लिखना कैसे है उसके ऊपर भी आपको होमवर्क करवाएंगे, उनके ऊपर भी आपको वर्कआउट करवाएंगे ताकि आप बेहतर लिख सकें और अपनी इंफॉर्मेशन को सटीक रूप से अपने आंसर में दे पाएं, जिससे कि आप कम जगह में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन को कंक्लूड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप जयसवाल क्लासेस के साथ जरूर जुड़े और जयसवाल क्लासेस के साथ जुड़ के अपने भविष्य को सुंदर और सिक्योर बनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।